सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल आशा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो फ्रेंड, नमस्कार, मैं हूं अनुपम और आप देख रहे हैं टेक्निकल आशा का ये नया वीडियो। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, जैसा कि आप लोग बहुत दिन से वेट कर रहे थे यूरेका ब्लैक का, तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए फुल अनबॉक्सिंग यूरेका ब्लैक की, जो कि माइक्रोमैक्स का नया सेट है, लॉन्च हुआ है 9000 रुपए में और बहुत ही अच्छी कॉन्फ़िगरेशन के साथ ये आ रहा है। तो इसमें क्या क्या चीज़ आपको मिलती है और आप इसको कैसे परचेस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए मेरे साथ ऐसे ही नए नए स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग और रिव्यू। रेट है वो 8999 रुपए मार्केट में है, लेकिन ये अभी ऑफलाइन मार्केट में नहीं मिल रहा है, ये आपको ऑनलाइन परचेज करना पड़ रहा है। तो जैसे मैंने फ्लिपकार्ट से इसको ऑर्डर किया है, ये मुझे 2 दिन में मिल गया है। तो इसका आगे का चलिए देखते हैं अनबॉक्सिंग, जैसे कि मैंने कल लिया है लेते वक्त कि इसमें क्या चीज है। और ये देख सकते हैं कुछ ऐसा आपको ये जो है इसमें मिलता है, ये पूरा सील्ड पैक है और इसको आप खोलते हैं देखते हैं एक बार। ये देखिए, ये कुछ रैप ऐसे था इसमें और ये हमारा आ गया यूरेका ब्लैक। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही स्लिम सेट है और ये ऊपर इन्होंने अपना बैक साइड का ब्रांड दिखाया हुआ है। यहाँ पे आपका कुछ ऐसा यूरेका ब्लैक लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे इसके देख रहे हैं स्पेसिफिकेशन कुछ दी हुई है इन्होंने, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें स्नैपड्रैगन का CPU लगा हुआ है और ये गोरिल्ला ग्लास इसमें दिया हुआ है प्रोटेक्शन में। 5 इंच की फुल HD डिस्प्ले है, 4G VoLTE है इसमें, आप मतलब जियो सिम यूज़ कर सकते हैं आराम से, वीडियो कॉलिंग वगैरह सब हो जाएगी। सेल्फी कैमरा भी दिया हुआ है, लेकिन सबसे अच्छा फीचर्स इसमें एक दे दिया है कि इसमें जो लोगों को सेल्फी लेना पसंद है उसके लिए क्या है कि इसमें फ्लैश दिया हुआ है फ्रंट पे। तो अभी हम इसकी क्वालिटी भी चेक करेंगे कि कैसा है। बाकी आपको मैंने फीचर्स बता दिए हैं इसमें, 4GB रैम है, 32GB का इंटरनल स्पेस भी दिया हुआ है, 64GB तक आप इसको बढ़ा सकते हैं। और इसमें क्या एंड्रॉयड मार्शमेलो आपको मिलता है, 3000 mAh की बैटरी दी हुई है और काफ़ी अच्छा मेटल डिज़ाइन पे है, फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। तो मेरी समझ से 9000 रुपए में जो आपको ये सेट मिल रहा है बहुत ही अच्छी चीज़ है, फीचर्स बहुत अच्छे दिए हुए हैं। चलिए इसको अनबॉक्स करके एक बार देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं हमें बॉक्स के साथ। तो कुछ ऐसा आप देख रहे हैं, ये बॉक्स मैंने हटाया तो एक बॉक्स मुझे और मिल रहा है, तो मतलब कि काफ़ी अच्छा इन्होंने कवर करके दिया हुआ है ये। तो इसको चलिए ओपन करके देख लेते हैं। तो दोस्तों ये देख रहे हैं काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने बना के दिया है डिब्बा। और ये आप देख सकते हैं ये हमारा मोबाइल इसमें मिल गया है, जो कि पूरा ऊपर से कवर्ड है एक छोटे से बैग टाइप में। और ये मैं आपको ओपन अभी करके दिखाता हूँ, पहले हम लोग इसमें देख लेते हैं क्या क्या चीज़ों का फीचर्स क्या क्या है इसमें। और ये कुछ है आपका, इसके बाद हमको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं में आपको देख रहे हैं, ये आपका हाइब्रिड सिम स्लॉट पे है जैसा कि आपको मैंने बताया है। तो ये टूल दिया हुआ है पिन आपका सिम निकालने के लिए। और क्या है इसमें देख लेते हैं, ये इन्होंने साथ में, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इन्होंने इसके साथ एक हमें बैक कवर दिया है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मेटल पे है तो स्क्रैच आने का थोड़ा सा डर रहेगा ये, क्योंकि मैंने क्रोम ब्लैक ऑर्डर किया है और ये काफ़ी अच्छा लगता है, यूनिक सेट लग रहा है। और इसके साथ इन्होंने प्रोटेक्शन के तौर पर इन्होंने एक हमें बैक कवर भी दे रखा है, जो कि कुछ ऐसा दिखता है, काफ़ी अच्छा ट्रांसपेरेंट है, आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया क्वालिटी भी अच्छी लग रही है। तो इसको अभी हम चेक करेंगे बाद में और देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। ये इसमें हमें बिल दिया हुआ है, यूज़र गाइड है और ये एक हमें, ये भी इन्होंने दिया हुआ है, स्क्रीन गार्ड दिया हुआ है लगाने के लिए। तो लगभग सारी चीज़ें इन्होंने हमें दे रखी हैं। ये हमारा इसमें चार्जर दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, जिस पर यू ब्रांड का टैग लगा हुआ है। और ये कितने वोल्ट का है मैं आपको बता देता हूँ, 5V 2A का ये इन्होंने चार्जर दिया है। तो मतलब ये फास्ट चार्जर सपोर्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा बिल्ड क्वालिटी है। और देख सकते हैं इसमें डेटा केबल दिया हुआ है और ये इन्होंने हैंड फ्री दी है, ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। तो ये सारी चीज़ें इस बॉक्स में आपको मिलती हैं। तो चलिए मोबाइल पर हम लोग देख लेते हैं क्या क्या फीचर्स हैं और क्या है। तो इसको आप ओपन कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी डिज़ाइन लग रही है। ये देखिए ये सेट है, काफ़ी शाइन मार रहा है,
और ये आप देख सकते हैं, ये बैक है इसका। तो बैक में जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी ग्लॉसी लग रहा है, तो जैसे कि अगर हम लोग इसमें टच करते हैं तो थोड़ा बहुत फिंगरप्रिंट के वो दाग आ रहे हैं इस पे। डबल एलईडी फ्लैश भी दिया हुआ है, चलिए इसको ओपन, और फ्रंट में भी फ्लैश दिया हुआ है, तो एक बार इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आपके नेविगेशन बटन है, वॉल्यूम अप डाउन, और ये पावर की है। और इस साइड में हमें सिम ट्रे मिल रही है जो कि हाइब्रिड है, तो इसको ऑन करके देख लेते हैं। ये हमारा फिंगरप्रिंट सेंसर भी है और बैक बटन भी है, तो एक बार इसको ऑन करके देख लेते हैं। मैंने सारा क्विक सेटअप जो होता है वो कर लिया है, कुछ ऐसा आपको दिख रहा है इसमें। और ये फिंगरप्रिंट सेंसर भी मैं लगा के एक बार देख लेता हूँ इसमें, जैसे कि मैंने भी सिक्योरिटी में दिया, काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है ये। ये आप देख सकते हैं, कुछ काफ़ी अच्छी डिज़ाइन लग रही है, काफ़ी ज़्यादा स्लीक है, स्क्रीन भी इसकी काफ़ी अच्छी लग रही है। आपको मैं इसमें फीचर्स बता देता हूँ, जैसा कि मैंने अबाउट फ़ोन में जाते हैं और देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें आपको मिल। 6.0.1 का आपको इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रहा है मार्शमेलो, और नुगेट में अपडेट आपको जल्द ही मिल जाएगा जैसा कि कंपनी ने बोला है। 32 GB का इंटरनल स्टोरेज, 4 GB का रैम आपको मिल रहा है, और स्नैपड्रैगन का इसमें 430 प्रोसेसर आपको मिल रहा है, तो वो भी काफ़ी अच्छा है। मतलब कि अभी तक यूरेका में काफ़ी हीटिंग इशू आ रहा था, लेकिन अभी क्या है कि 430 इन्होंने लगा के दिया है, तो मेरी समझ से इतना हीटिंग इशू नहीं आना चाहिए इसमें। बाकी आपको जो नॉर्मली सारे फ़ोन में ऑप्शन मिल रहे हैं वो सब है गैजेट्स में। और बाकी आपको मैं कैमरा क्वालिटी इसकी एक बार दिखा देता हूँ। तो दोस्तों इसकी कैमरा क्वालिटी आप देख सकते हैं, ये मैंने देखी है, फ्रंट फेसिंग कैमरे से इसकी फ़ोटो खींची है, जो कि 8 मेगापिक्सल का मिलता है विद फ्लैश के साथ मिल रहा है। तो क्वालिटी आप देख सकते हैं बहुत अच्छी है, जूम करने पे कोई भी मतलब कि इमेज फट नहीं रही है, बिल्कुल भी बढ़िया है। तो कैमरा क्वालिटी एक बार फिर से यूरेका ने बहुत ही अच्छी अपनी दे रखी है। आप देख सकते हैं इसमें फ्रंट में भी फ्लैश है, जैसे कि नॉर्मली पहले फ़ोन आते थे रात में आप फोटो नहीं खींच सकते, ये देख सकते हैं बिना फ्लैश की फ़ोटो है जो कि बहुत ही बेकार लग रही है। और ये फ्लैश के साथ मैंने ली हुई है, ये आप देख सकते हैं कितनी कमाल की फ़ोटो आई है दोस्तों इसमें। और बैक भी बहुत ही अच्छा है, इन्होंने कैमरा दे रखा है, और टच स्क्रीन भी आप इसका देख रहे हैं कितना बढ़िया फाइन वर्क कर रहा है। तो मेरी समझ से ये जो आपको फ़ोन मिल रहा है ये 9,000 रुपये में बहुत ही अच्छा है, इसमें आपको बहुत ही अच्छे अच्छे फीचर्स मिलते हैं। तो इसको क्या है आप एक बार ले सकते हैं, और इतने कम बजट में आपको इतने अच्छे फीचर्स नहीं मिलेंगे कि 4 GB रैम, 32 GB रोम आपको मिल रहा है, 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है, डुअल एलईडी फ्लैश के साथ आपको मिल रहा है, और फ्रंट 8 मेगापिक्सल विद फ्लैश मिल रहा है, स्पीकर भी अच्छा है, क्वालिटी कॉलिंग भी बहुत अच्छी हो रही है इससे, 4G सपोर्टेड है। ये आपका देख सकते हैं यहाँ पे आपका एक स्पीकर दिया हुआ है, यहाँ एक आपका माइक दिया हुआ है, ये आपका चार्जिंग पोर्ट है, तो काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं। तो दोस्तों ये था यूरेका ब्लैक का फुल रिव्यू। आफ्टर 10 डेज मैं आपको एक और वीडियो इस पर बना के दिखाऊंगा, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि 10 डेज यूज़ करने के बाद ये कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है सेट। तो दोस्तों ये था एक मेरा छोटा सा वीडियो आपको यूरेका ब्लैक की, जिसमें मैंने अनबॉक्सिंग दिखाई है, फीचर्स बताए हैं, रिव्यू पूरा दे दिया है, और यही था। और बाकी जो वीडियो है आपको मैं 10 डेज बाद इसका परफॉर्मेंस बताऊंगा, तो मेरे साथ आप जुड़े रहिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और सब्सक्राइब बिल्कुल करिए मेरे चैनल को ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए।